अकेला पुरुष कभी राज शासन नहीं कर सकता, इस विषय का उपदेश इस मंत्र में किया है। इंद्राग्नित्यस्य विश्वामित्र ऋषि इंद्राग्नौ देवते आर्षि त्रिष्टुप छंदः दैवतः स्वरः। ओम इंद्राग्नि आगतगं सुत गिर्भिर्न भूवरेण्यम अस्य पातं धियेशिता उपयाम गृहीतोसिन्द्राग्निभ्यां त्वेषीते योनिरिन्द्राग्निभ्यां त्वा। कोई पुरुष चाहे कितना ही गुणवान और बलवान क्यों ना हो, वह अकेला कभी भी राज शासन नहीं कर सकता। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार करे और उन्हें राज्य कार्य के प्रबंध में अपनी सभा में उचित स्थान दे, और राजा द्वारा नियुक्त वे भी जो उनके कर्तव्य कर्म हैं उनमें राज आज्ञा को पालन करते हुए राजा का सत्कार करें। जैसे सूर्य और अग्नि दोनों ही प्रकाश करते हैं, ऐसे ही राजा और सभासद प्रजा के हित के लिए सुखों का प्रकाश करते हैं। योग्य व्यक्तियों के द्वारा राज शासन को चलाना ही राजनीति है। अब इस विषय को प्रकारांतर से अगले मंत्र में कहा है।